आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि परम श्रद्धेय श्री दाजी इस वर्ग के अवलोकन के लिए देशभर से यहाँ पर उपस्थित विशेष निमंत्रित अतिथिगण संघ पर जो प्रेम है उसके कारण यहाँ उपस्थित हमारे दोनों संत माननीय सर्वाधिकारी जी विदर्भ प्रांत के माननीय संघ चालक जी नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक जी उपस्थित अन्य अधिकारी गण नागरिक सज्जन माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु प्रतिवर्ष यह शिक्षा का क्रम चलता है परंतु दो वर्ष से कोरोना के कारण स्थगित था प्रशिक्षण स्थगित नहीं हुआ इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ मैदान में शाखाएं नहीं लगी घरों में लगी लेकिन संघ कार्य बंद नहीं था कोरोना में हमारे कार्यक्रम बदल गए कोरोना पीड़ितों की सेवा यही हमारा कार्यक्रम बन गया और देश भर के लाखों स्वयंसेवकों ने संपूर्ण समाज के साथ मिलकर उसको बहुत अच्छी तरह संपन्न किया उसमें भी उनका प्रशिक्षण ही हुआ क्योंकि कार्यक्रम आपको दिखने में अलग अलग दिखते हैं यहां लाठी काठी आपको दिख रही यष्टि दिख रही है संचलन समता दिख रही परंतु यह प्रशिक्षण है अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए जो आवश्यक योग्यता है उसको प्राप्त करने का प्रशिक्षण है जिन बातों का उल्लेख और दाजी ने अपने भाषण में किया वही बातें हैं इस कालावधि में हमारा संपर्क समाप्त नहीं होगा उल्टा बड़ा बाद में राम जन्मभूमि के लिए धन संग्रह करना पड़ा तो बहुत अधिक गांव में चार करोड़ से ऊपर गांवों में हमारे स्वयं सेवक पहुंच गए परिचय हो गया संपर्क हो गया उसके फलस्वरूप इस बार जो वर्ग था अभी यहां उपस्थित है इससे दुगनी संख्या इसमें आने के लिए तैयार थी लेकिन यहां सबकी व्यवस्था एक समय में नहीं हो सकती इसलिए इस वर्ग में जो आए हैं वो आगे जो शेष है उनके लिए हमको दूसरा वर्ग करना पड़ने वाला है वो हम करेंगे परंतु ये सब क्यों चल रहा है तो वही बात है भारत माता की जय सारे विश्व में करानी है क्यों करानी है हम विश्व विजेता बनना चाहते क्या नहीं हमको विजेता वगैरह बनने की आकांक्षा नहीं है हमको किसी को जीतना नहीं है हमको सबको जोड़ना है संघ का कार्य भी किसी को जीतने के लिए नहीं चलता जोड़ने के लिए चलता है और भारतवर्ष भी दुनिया में दुनिया के आदिकाल से अब तक जीता रहा है तो किसी को जीतने के लिए नहीं सबको जोड़ने के लिए स्वतंत्रता का पचहत्तरवा वर्ष चल रहा है स्वतंत्र में हमारा स्व कौन सा है यही हमारा स्व है बहुत प्राचीन समय में कभी हमारे आर्ष पूर्वजों ने अस्तित्व के सत्य को समझा और जाना कि यह सारा अस्तित्व रंग बिरंगी विविधताओं से भरा हुआ वो एक ही शाश्वत संपूर्ण एकमेव अद्वितीय सत्य का आविष्कार मात्र है विविधता ये उस एकत्व की सजा सज्जा है वो अलगाव नहीं है आपस में सबका संबंध है वो आत्मीयता का संबंध है अपनेपन का संबंध है और इसलिए इस अपनेपन की भावना से संपूर्ण विश्व को यह सत्य की ओर ले जाने वाला अपनापन मिले क्योंकि उस सत्य को प्राप्त करने से शाश्वत और कभी फीका न पड़ने वाला सुख मिलता है जिसके खोज में सारी दुनिया दौड़ती रहती है वो केवल वही मिलता है और हमको प्राप्त हुआ है सारा विश्व हमारा अपना है उसको भी प्राप्त होना चाहिए सबको यह सत्य प्राप्त हो इसलिए इसी सत्य के आधार पर सत्य करुणा शुचिता और तपस ऐसे जिसको धर्म के चार पैर अपने कहा गया है इन मूल्यों पर आधारित एक धर्म जीवन भारत में खड़ा किया वो हमारा राष्ट्र जीवन बना हम राष्ट्र हैं क्यों है किसी भाषा के कारण नहीं है किसी पूजा के कारण नहीं है किसी एक जगह रहने वाले हमें इसलिए नहीं है हमारे सामने एक समान लक्ष्य है एक देश प्रसूत सकाशात अग्र जन्मनाथ स्वम स्वम चरित्रम शिक्षे रन पृथिव्याम मनुष्य का जीवन कैसा हो दुनिया के लोग आए और हम जो दुनिया के सबसे प्राचीन देश है हमारा दायित्व है हमारे को देखकर एक एक को वो शिक्षा मिलनी चाहिए ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए यह एक समान उद्देश्य भारतवर्ष के सब पंथ संप्रदायों के सामने सब भाषा बोलने वालों के सामने सभी प्रदेशों में निवास करने वालों के सामने सभी खान पान रीति रिवाज वाले लोगों के सामने है यहाँ तक कि मेरा दावा है कि जिन्होंने कुछ ऐतिहासिक कारणों से विदेश से आई पूजा को स्वीकार किया उनके भी अंतर मन से जब आवाज़ निकलती है तो उनके सामने यही लक्ष्य होता है क्योंकि वो भारत के इस बात की आज दुनिया को आवश्यकता है क्योंकि सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना जोड़ने वाला क्या है इसकी प्रतीति दुनिया में नहीं है थियरी है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस नहीं है उसकी परंपरा भारत में आज तक अखंड चलती आ गई है सब प्रकार के परिस्थितियों में वो कभी खंडित नहीं होती वही आध्यात्मिकता और उसके आधार पर खड़ा हुआ यह धर्म जिसको आजकल लोग हिंदू धर्म कहते हैं। वास्तव में वो तो मानव धर्म है विश्व धर्म है युगों से इस भूमि में उसका संगोपन संरक्षण संवर्धन हुआ और इस भूमि की इस परंपरा में रहने वाले आज के लोगों को दुनिया हिंदू कहती है इसलिए वो हिंदू धर्म है इस भूमि में हम रहते हैं तो इस भूमि ने हमको यह सिखाया क्योंकि सुरक्षित भूमि थी बाहर से कोई आने का नाम लेना कठिन था पुराने जमाने में पर्वत और सागर पर कौन आएगा और इसलिए यहां पर पले पडे लोगों को अपने अस्तित्व के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ा इतनी समृद्धि थी इतनी सुरक्षा थी ये हमारी मातृभूमि ने दी है उसके आधार पर उस सत्य का साक्षात्कार और उसको सारी दुनिया में देने के लिए आवश्यक सद्गुण संपदा रखने वाला संगठित समाज उस समाज के आधार पर राष्ट्र की निर्मित बहुत प्राचीन समय में हमारे यहां हुई ओम भद्रम इच्छंत ऋषिय स्वर विधा तपो दीक्षा मुपसे दुराग्री ततो राष्ट्रम बलम जातम यह इतिहास हमारे यहां रिकॉर्डेड है वेदों में हमारा राष्ट्र हमारा बलोज विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषियों के दुर्धर तप से हुआ है अपनी सुरक्षा के लिए नहीं हुआ है अपनी स्वार्थ के लिए नहीं हुआ है जो अपने पास है वो दुनिया को देने के लिए हुआ है और वो हमारे राष्ट्र जीवन का आधार स्वर बना समय का चक्र चलता रहा कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता कभी अच्छे दिन कभी खराब दिन कभी विश्व पर राज्य कर रहे कभी विश्व के राजाओं से पीटे जा रहे ऐसी सब परिस्थितियों में हमारे राष्ट्र जीवन का ये सूत्र अभी तक कायम है और अब फिर से अग्रसर हो रहा है उस सनातन राष्ट्र के हम राष्ट्रीय है वही धर्म जो समन्वय सिखाता है जो संतुलन देता है जो सबको साथ लेकर सबकी उन्नति करना जानता है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति देखो अपनी उन्नति से सबकी उन्नति हो ऐसी उन्नति को उन्नति को वो हमारा स्व है उसके आधार पर अपने देश के सारे तंत्र को हमको फिर से देखकर स्थापित करना होगा क्योंकि हमारे देश का प्रयोजन ये है हमको स्वतंत्रता इस स्व के आधार पर अपना तंत्र बनाकर दुनिया को नया मंत्र देने के लिए हुई है इस कर्तव्य को पार पड़ने के लिए पहली बात है इस सत्य को अनुभूति करने वाले इस सत्य को जानकर जीवन जीने वाले लोग चाहिए धर्म का संरक्षण दो प्रकार से होता है उस पर आक्रमण होता है उससे बचाना पड़ता है उसके लिए बलिदान भी देना पड़ता है उसके लिए लड़ाई भी करनी पड़ती है लेकिन धर्मो धर्म ये आचरण से बढ़ता है आचार प्रभु धर्म तो ये धर्माचरण चाहिए आपस में प्रेम चाहिए आपस में आनंद चाहिए एक दूसरे के सुख दुख की संवेदना चाहिए हमारी जो विविधता है उनको हमारी साज सज्जा के रूप में देखना चाहिए अलगाव के रूप में नहीं देखना चाहिए आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए यह सत्य हमारे पास है सारी दुनिया को देने के लिए हमारे पास है उसको देने का समय आ गया है उसके लिए तैयारी है और एक बात है सत्य के अपने पैर नहीं होते सत्य को शक्ति का आधार चाहिए बिना शक्ति के दुनिया नहीं मानती हम किसी को जीतना नहीं चाहते लेकिन दुनिया में दुष्ट लोग हैं जो हमको जीतना चाहेंगे आज भी उनके कारना में चल रहे और इसलिए हमको उस शक्ति की भी आराधना करनी चाहिए जो दाजी ने बताया उपनिषद की बात कही जो विद्या को छोड़कर यानी स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर केवल अविद्या की उपासना करते केवल भौतिकता की तरफ जाते हैं वो अंधकार में जाते अंध तमम प्रविशंति ऐसा कहा है लेकिन अगले ही चरण में कहा है कि जो अविद्या को छोड़कर केवल विद्या की उपासना करते वो उससे भी घोर अंधकार में फंसते हैं सही तरीका क्या है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम उष्णुते भौतिक ज्ञान के आधार पर जीवन संग्राम में आने वाली भौतिक बाधाओं का मुकाबला करते हुए यशस्वी बनो और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके उस यशस्विता को सार्थकता में बदल दो केवल यशस्वी होना पशु भी होते हैं यशस्वी हुए बिना सार्थक भी नहीं हो सकते लेकिन सार्थकता के बिना यश का कोई अर्थ नहीं और इसलिए हमारे यहां ये मार्ग बताया गया ये संतुलन साधा है और इसलिए जैसे हम इस प्रेम की बात करते हैं बात नहीं वो हमको करना है यह हमारा प्रामाणिक उद्देश्य है ये कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसी पॉलिसी नहीं है हमको प्रेम देना आता है संघ में आकर देखिए और हमको सब जगह जाकर यही करना है संघ हृदय में भर पाए अब घर घर हमको जाना है ऐसे प्रसंग पर ये स्वयं सेवक बनते हैं बने हैं उनके लिए संदेश क्या है हिंदुत्व एक अपनत्व भावना रोम रोम में भरना है अहंकार व्यक्तित्व भुलाकर सबको अपना करना है स्वयंसेवक इसी के लिए बनते हैं लेकिन सब बातों को शक्ति का अधिष्ठान चाहिए शक्ति को सत्य का सत्याधारित नीति का अधिष्ठान चाहिए नहीं तो शक्ति उपद्रवी हो सकती है शक्ति चाहिए लेकिन दुष्टों के हाथ में विद्या विवाद आया, ज्ञान मिला जानकारी मिली उसका उपयोग लोगों में झगड़े लगाने के लिए नकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए करना दिखाई देता है धनम मद धनवान हो गए तो ऐसा मत आता है कि उस धन के बल पर कुछ भी करेंगे कोई लिहाज नहीं रखेंगे शक्ति परेशान पर पीड़ना दूसरों को पीड़ा देने के लिए शक्ति का उपयोग यह दुष्टों का है खलस्य जो नीति विहीन है जो सत्य पर नहीं चलते जो अपनत्व को नहीं जानते परंतु साधो का क्या है साधोर और तो उनका उल्टा है ज्ञान आया दान आय रक्षण आय विद्या मिली तो लोगों का ज्ञान बढ़ाने में उसका उपयोग करते हैं धन मिला तो लोगों के अभावों को दूर करने के लिए दान करते हैं और बल मिला तो दुर्बलों की रक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये नीति नहीं है तो शक्ति उपद्रव बनती अभी हम देखे ही रहे लड़ाई चल रही रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया कर दिया ठीक नहीं कर दिया विरोध भी हो रहा है लेकिन कोई भी यूक्रेन में जाकर रशिया को रोकने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि रशिया के पास ताकत है वो धमकी देता है धमकी दे रखी है इधर आओगे अनुबम चलाऊंगा डरना पड़ता है अच्छा जो कर रहे हैं उनके भी हेतु कहाँ पवित्र है कहां वो तो सारे शस्त्रास्त्र यूक्रेन को दे रहे हैं ये तो ऐसी बात हो गई पुराने जमाने में पाकिस्तान और भारत को लड़ा के दोनों तरफ से अपने शस्त्रों की परीक्षा करते थे पाश्चात्य राष्ट्र ऐसा ही कुछ चल रहा है एक भारत है जो सत्य बात बोल रहा है लेकिन उसको भी बड़ा संतुलन साथ कर चलना पड़ रहा है और सौभाग्य से उसने वो संतुलित भूमिका ली है उसने आक्रमण का समर्पण समर्थन नहीं किया और रशिया का विरोध भी नहीं किया है यूक्रेन को लड़ाई की नहीं बाकी मदद कर रहे हैं रशिया को बार बार बोल रहे बातचीत करके ठीक करो भैया भारत अगर पर्याप्त शक्तिशाली होता तो इस युद्ध को रोकता लेकिन वो नहीं रोक सकता उसकी शक्ति अभी बढ़ रही है पूरी नहीं हुई है लेकिन हम देख रहे हैं बलाढ़ राष्ट्र है चीन क्यों नहीं रोकता नहीं रोकता क्योंकि इस युद्ध में उसको भी कुछ नजर आ रहा है पता नहीं कोई नई कल्पना उसको सूझेगी उपद्रव होंगे इस युद्ध ने हमारे जैसे देश के लिए सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी है हमको अपने प्रयासों को अधिक दृढ़ करना पड़ेगा शक्ति संपन्न होना पड़ेगा ऐसी शक्ति अगर भारत में हाथ में होती तो यह प्रसंग नहीं आता दुनिया में लेकिन ये शक्तिवान लोग हैं, लेकिन अपनत्व से एकत्व से आने वाली धर्म प्राण नीति उनके पास नहीं है इसलिए भाषा तो वही है शांति की एकता की संस्थाएं भी बनाए रखी है बड़ी बड़ी यूनो जैसी सैन्य संभार वगैरह सब कुछ है समृद्धि है लेकिन स्वार्थ में ही जीते हैं अपने स्वार्थ की सुरक्षा के लिए सत्तत्वों का भी उपयोग करते हैं इसलिए नीति चाहिए शक्ति चाहिए ये शक्ति जैसे सत्व संपन्नता में होती है वैसे एकता में भी होती है। जिसका उल्लेख बार बार किया दाजी ने भारत को परम वैभव संपन्न बनाना भारत को विश्वगुरु बनाना यह समय की आवश्यकता है लेकिन उसके लिए भारत में सर्वत्र लोगों को भारत बनकर एक होना पड़ेगा यह भारत का स्व है वो किसी पूजा के आड़े नहीं आता वो किसी पूजा का विरोध नहीं करता वो किसी एक भाषा का समर्थन नहीं करता सब भाषाओं को अपना मानता है वो सब प्रांतों के लोगों को अपना ही मानता है एक ही भारत माता के सारे पुत्र है समान पूर्वजों के सब वंशज है और यही स्व आधारित धर्म संस्कृति सबको विरासत में मिली है धर्म को पूजा से और कर्मकांडों से खानपान रीति रिवाज से अलग करो तो हमारा धर्म बचता है बंधुभाव मानवता वही भारत का स्व है वही भारत का प्राचीन सनातन धर्म है वही मानवता है उसी को आज हिंदू धर्म कहते हैं। हम सबको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि विविधताएं अपनी है परंतु वो अलगाव नहीं है अभी यह प्रकरण निकल रहे ज्ञान व्यापी का मुद्दा चल रहा है अब ऐसे मुद्दे हैं एक इतिहास तो है उसको हम बदल नहीं सकते वो इतिहास हमने नहीं बनाया न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया न आज के मुसलमानों ने बनाया उस समय घटा इस्लाम बाहर से आया आक्रमकों के हाथ आया उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्च करने के लिए देवस्थान तोड़े गए हजारों है हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है उसके बारे में मामले उठते हैं अब इसका विचार क्या करना ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए हम हम तो कुछ नहीं कहते हमने नौ नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए हमने उस काम को पूरा किया अब हमको को कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए अच्छी बात है ऐसा कुछ है आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता इसमें कोर्ट में जाते हैं जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और ठीक है प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं आया ये भी नहीं करना चाहिए हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं परंपरा से चलती आई हम कर रहे ठीक है, है परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना अरे भाई वो भी एक पूजा है ठीक है बाहर से आई है लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान वो बाहर से संबंध नहीं रखते ये उनको भी समझना चाहिए यद्यपि पूजा उनकी उधर की है उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है परंतु पूजा वहाँ की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन कल से चलते आवे ऋषि मुनि राजा क्षत्रियो के पूर्वज है वंशज है समान पूर्वजों के वहां से जम है परंपरा हमको समान मिली है शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है देश के हर स्वातंत्र युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है अशफाकुल्ला खान इब्राहिम खान गार्जी इतिहास काल से चलता आया है उनका संबंध यहां से है बाहर से नहीं है और इसलिए उनको भी समझना चाहिए भारत मातृभूमि भारत की संस्कृति सर्वसमावेशकता उसकी किसी को न बदलते हुए सबको अपना मानना अपनी पूजा अपने जगह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है लेकिन सबकी पूजा सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है किसी की बुराई नहीं करना मेरा ही सही ऐसा कट्टरपन और अहंकार नहीं रखना और जनजीवन में सबके साथ बराबरी में आना यह मान्य था इसलिए तो पाकिस्तान बना तब कुछ लोग चले गए ये लोग नहीं गए ये लोग नहीं गए इसका अर्थ यही है ना हमारी पूजा अलग हो गई इसलिए हम भारत को छोड़ना चाहते ही हमको मंजूर नहीं ऐसे ही सोचा होगा तो उस भारत के साथ समरस होकर रहना अलगाव का वही राग फिर से अलापना नहीं पूजा अलग है इसलिए अपना हित अलग है ऐसा मानना नहीं और संपूर्ण हिंदू समाज ने भी यह समझना कि यह हमारे ही पूर्वजों के वंशज रिश्ते से हमारे खून के रिश्ते से हमारे भाई ये अगर वापस आना चाहते तो दोनों हाथ खोलकर हम उनका स्वागत करते नहीं भी आना चाहते तो कोई बात नहीं हमारे यहां इतने तैतीस करोड़ देवता है और बढ़ जाएंगे क्या फर्क पड़ता है अपनी अपनी पूजा तो सब कर रहे हैं देशभक्त तो हो सब लोग हमारी संस्कृति की उदारता सर्वसमावेशकता सबको समान रूप से देखना अपना मानना अपने विकास से सबका विकास हो अपना विकास कोई अलग और विशिष्ट नहीं है सबके साथ यह देखना और हमारे वही पूर्वज है जिन्होंने हमको यह विरासत दी उनके गौरव को मन में रखकर उनके रहन सहन का अनुकरण करते हुए आगे चलना एकता का तो यही मार्ग है हमारे संविधान की प्रस्तावना इसी का आदेश देती है उसमें मार्गदर्शक तत्व है वो यही बताते हैं हमने ध्यान रखना चाहिए समाज में एकता है तो एक दूसरे की संवेदनाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा मन वचन कर्म में कोई अतिवादिता आनी नहीं चाहिए दोनों तरफ से उधर उधर उल जुलूल धमकियां देने वाली बातें अगर होती है हिंदुओं की ओर से बहुत कम होती है हिंदुओं ने बहुत धैर्य रखा है हिंदुओं ने इस एकता के लिए बहुत ज्यादा कीमत भी चुकाई है देश भी तोड़ दिया है और फिर भी ऐसे स्वर उठते हैं और उसका विरोध कोई करता नहीं उधर से इसलिए हमारे जैसे लोग बताते रहते भाई सब अपने हैं लेकिन उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह रहता है हिंदू के मन में और इसलिए अपने अपने ऐसे अतिवादी लोगों को टोकना चाहिए हिंदुओं में टोकते हैं हम भी कुछ बोल गए तो हमको भी टोकने वाले लोग हैं हिंदू समाज किसी प्रकार का अतवाद मान्य नहीं करता है इसलिए हिंदू समाज में सब लोग आए यहूदी आए पारसी आए विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित तो हो लड़खड़ाया आया सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया भूमि यह हर दलित को पुचकारती हर पतित को उती ये हिंदू के जीवन की परंपरा है इसको समझकर हिंदू भी अपना हिंदुत्व का आचरण ठीक करे शक्ति संपन्न हो जीतना नहीं है किसी को लेकिन किसी के ओर से जीता भी नहीं जाना है डराना नहीं है किसी को लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए ऐसा हिंदू रहे और इन सबको गले लगाकर एक राष्ट्र जीवन के समृद्ध प्रवाह में सबको शामिल कर ले इसके लिए जैसा शील चाहिए जैसी शक्ति चाहिए वैसी शक्ति सब में भरने का यह संघ का प्रयास है अत्यंत आवश्यक अनिवार्य ये आवश्यकता है देश की क्योंकि हम सबको भाषा प्रांत पंथ आदि की सारी विविधताओं को लेकर एक दूसरे से दूर करना आपस में लड़ाना और उन झगड़ों की आग पर अपने स्वार्थ की रोटियों को सेकने का उद्योग करने वाले अभी भी कार्यरत है दुनिया में भी है देश में भी है उनके चंगुल में किसी प्रकार के समझदार लोगों को नहीं फंसना चाहिए लंबा चलना पड़ेगा आज ऐसा विचार आया किसी ने बोला और कल बदल हो गया ऐसा नहीं होगा कठिन रास्ता है उबड़ खाबड़ रास्ता है लेकिन इसमें से जाना पड़ेगा हम लोग भारत माता की जय करना चाहते हैं हम लोग आपस में अपनत्व भाईचारे पर विश्वास रखते हैं हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमको इस व्रत को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा सामर्थ्य संपन्न संगठित हिंदू समाज अपने हिंदुत्व की सच्ची प्रवृत्ति के आधार पर देश में क्या सारी दुनिया के कलह द्वेष द्वेश बंद करके एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनाने की क्षमता रखता है उस क्षमता का उस गुणवत्ता का जागरण सारे देश में करने का यह संघ का प्रयास 1925 से चल रहा है कार्यक्रम खंडित हो गए बार बार लेकिन कार्य कभी खंडित नहीं हुआ एक एक कदम आगे बढ़ रहा है आज नहीं तो कल इसको हम यशस्वी कर पाएंगे आज नहीं तो कल मैंने कहा लेकिन अब जो दृश्य दिखता है उसमें लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष का समाज एक होकर सारे भेद भूल कर आपस के स्वार्थों को तिलांजलि देकर देश को बड़ा बनाकर दुनिया को सुखी बनाने के उद्योग में लगा है यह दृश्य अपने कार्य की गति बढ़ाकर और यहाँ उपस्थित निमंत्रित बंधुओं का सहयोग उसमें होकर खड़ा हो सकता है इतनी परिस्थिति की अनुकूलता आज खड़ी हुई है